बन गई आशिकी ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी तूने दी है ये कैसी सजा से शिकवा करे क्या यार से आनिया मेरी बीवी है अपने मुंह से ना उसका आइंदा नाम मत लेना नफरत करती है वो तुमसे और तुम्हारे पूरे खानदान से वो निकाह वाले दिन जो तुम्हारे माँ बाप ने उसके साथ सलूक किया था वो भूली नहीं है कुछ भी नहीं भूली है मंगनी वाला दिन याद है कितनी खुशियां मना रहे थे तुम लोग अरे इस घर में उसके बाप की मैयत पड़ी हुई थी उस वक्त ख्याल नहीं आया कोई अम्मा हमारे दानिश ने सारे सांपों के सर कुचल दिए लेकिन ये जो रानिया नामी बला है ये तो कभी भी आ सकती है ना कारोबार तो अच्छा चल रहा है ना वैसे कारोबार अरे फ्लाई कर रहा है फ्लाई अरे बेटे के मुकद्दर की तरह और वो तो रख लो ना तुम्हारी तो है गिरने की क्या जरूरत है ये तो पल्लू में भी नहीं आएंगे दानिश मैं तो कहती हूँ जितना माल इकट्ठा कर सकता है ना इकट्ठा कर ले और उसके बाद सब कुछ बेच पूछ के हम इस शहर से क्या इस पुल से ही दूर चले जाएंगे दूर जाने की क्या जरूरत हलवा कारोबार है ना सोना है सोना मनोज हलवा जब यहीं बरस रहा है कहीं और जाने की क्या जरूरत ये बात भी ठीक ही कहता है तू फिर ऐसा कर मेरे बच्चे तू शादी कर ले कम से कम तुझे बीवी का सुख तो मिले ना फिकर मत करो अम्मा मुझे शादी भी करूंगा और अपनी मर्जी है रिंग रिंग कर जीने से तो अच्छा है बंदा मर जाए अम्मा भी ठीक ही कहती है 10 साल बाद ना तो कूड़े के ढेर का मुकद्दर भी बदल जाता है देख, अल्लाह ने कैसे हमारा नसीब बदला है अच्छा ये बता तेरी नजर में कोई लड़की है या फिर मैं ढूंढूं? लड़की तो है बस टेस्ट चल रहा है पास हो जाती है ना तो ले जाऊंगा तुम्हें उसे जाकर मिल लेना आराम से हाँ फिलहाल मैं चलता हूँ रात हो गई सो जाऊंगा जाके बच्चा मेरा गुड नाइट मेरा बच्चा सलामत रहे सलामत रहे सलामत रहे माँ का जिक्र खुश कर दिया तुमने कभी जिंदगी नहीं गिनते गिनते थक जाऊंगी मरी ना जाऊंगी 13 साल का मासूम बच्चा था मैं सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना मेरे दिल में कैद थी परी जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से तो
जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। क्यों कॉल्स कर रही हो मुझे बार बार? तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी? लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें जितना गुस्सा करना है, जितना बुरा भला कहना है कह लो मुझे, लेकिन मुझसे नाराज मत हो, मुझसे बात तो करो। क्या जरूरत है मुझे किसी अजनबी पर अपना गुस्सा निकालने की? अजनबी? हमारी मंगनी को 5 महीने हो गए। गलत हुआ, नहीं होनी चाहिए थी। कि तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं मैं। मैंने अपनी मां को कितनी बार मना की कि मुझे तुमसे तो क्या, किसी से भी मंगनी नहीं करनी, लेकिन वो अपनी जिद से बाज नहीं आई। तो वैसे भी अब मुझे तुम्हारी हकीकत क्या क्या मतलब क्या है? Listen to me, son. मैं एक बहुत ही खरा इंसान हूं। अपने जज्बात में भी और अपनी नफरत में भी किसी किस्म की मिलावट का कायल नहीं हूं मैं। और तुम लोगों से तो मुझे नफरत है, तुमसे, तुम्हारी मां से, तुम्हारे भाई से, तुम्हारे पूरे खानदान से। लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूं ना। तो मत करो। किसने कहा है तुमसे मुझसे मोहब्बत करने के लिए? देखो सना, मेरी तरफ से तुम आजाद हो इस रिश्ते से। आज के बाद मुझे कॉल मत करना, दफा हो जाओ यहां से। हेलो हमजा, हेलो मेरी बात सुनो। हेलो,
दिल में छुपा के कैसे जिएंगे बता, कैसे जिएंगे बता। उस बेवफा से दिल को लगा के हमको मिला भी है क्या, हमको मिला भी है क्या। ये जुनू बेखुदी बन गई आशिकी, ये जुनू बेखुदी बन गई आशिकी। तूने दी है ये कैसी सजा। तेरे हैं हम, सुनता नहीं वो ज़ाले।
अम्मा 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 क्या हो गया, क्या है, क्या खैरियत? अम्मा कुछ नहीं है, खैरियत है। आजकल तुम्हें ख्वाब में ये सांप, बिच्छू, अजाब यही दिखते रहते हैं। अरे अल्लाह क्या करूं, क्या करूं, इतनी दूर से भी मैं पढ़ के सोती हूँ, ये कम्बख्त डरावना ख्वाब, या अल्लाह क्या करूं। हाय हाय कुछ नहीं है, सो जाओ चुप करके। अरे अब कहां नींद आएगी, सांप जो देख लिया मैंने, कहीं सांप कहीं कहीं होगा। तू क्यों जाग रही है? ये औलाद की परेशानियां, इनकी वजह से नींद आ कैसे सकती है मुझे? सना कहाँ है, जाग रही है क्या वो? उसके भी कमरे की लाइट जल रही है, कहाँ सोएगी वो, टहल रही होगी। पहले चलो उसको देखते हैं, डरती रहोगी हम। सना जाग रही है, चल चल चल, चल, चल। सांप नहीं है, आ जाओ। क्या हुआ शाइस्ता भाभी, आप मुझसे नाराज है क्या? छोड़े इस बात को, ये बताए आपने मिस सलमान को कहीं देखा है? अभी मेरे साथ कमरे में खेल रहा था, खेलते खेलते ना जाने कहाँ चला गया। तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। सलमान, सलमान। अब रफ्तार रफ्तार ये महल मुकम्मल पागल हो जाए। तुम्हें क्या लग रहा था, हाँ तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मुझसे छीन लोगी हमजा को? नहीं, तुम्हारी ना मैं जान ले लूंगी। इस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, इसी तरह तुम्हारी मैं जान ले लूंगी, तुम्हें मैं जिंदा मार लूंगी। हमजा सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है। चलिए मैं जान ले लूंगी। नहीं कुछ नहीं है, वो मैं तुम अपनी बच्ची का फल तो दे। इतने लंबे टाइम के लिए दौरा पहले तो नहीं पड़ा, अब तो वो ठीक हो गई, इसकी दवाइयां भी बंद हो गई थी। मेरा है वो, हमजा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। सना, सना मेरी जान, होश में आओ, होश में आओ, मेरा बच्चा ऐसे पागलपन की पागल, हाँ पागल नहीं हूँ मैं, और मैं पूरे होश में हूँ, आप लोग बेहोश हैं, क्यों मुझे पागल बना रहे? पागल नहीं हूँ मैं, वो सिर्फ मेरा है और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मेरा है वो। नहीं नहीं मेरी जान, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। हमारी सना तो बहुत समझदार है ना, बहुत अच्छी बच्ची है ना, है ना? नौटंकी कर रहे ना आप लोग मेरे साथ, ड्रामे कर रहे ना, और पागल ऐसे होते हैं, ऐसे होते पागल, ऐसे नहीं होते पागल, ऐसे होते आप लोग भी मुझे पागल बना रहे। दूर आ जाए और चले जाए इस कमरे से बाहर। सना, सना दवा खा ले मेरा बच्चा। सना मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ, और हाँ मैं होश में हूँ, आप लोगों की वजह से मैं दूर हो गया मुझसे, और आप लोग मुझे पागल कह रहे, मैं पागल नहीं हूँ, आप लोग मुझे पागल बना रहे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं दानियाल के घर का क्या हाल होगा, साजिदा से मिले हुए इतने दिन हो गए, जब भी जाती हूँ ये कह दिया जाता है कि वो मेडिसिन लेकर सो रही हैं। मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, there's something wrong। क्या गड़बड़ हो सकती है हमजा, वो अपने घर में बैठी है आराम से, और हमारा घर भी तो साथ में ही है ना। अगर वो अपने घर में खुश है और ठीक है तो ये बहस करने की जरूरत क्या है? निहाल में तो इसलिए कह रही थी कि साजिदा की तबीयत ना संभल नहीं रही है, कहीं ऐसा ना हो कि दानियाल की तरह। एक दफा जाके देख लेते हैं। अभी तो आपको बताया है मैंने कि मैं जब भी जाती हूँ वो सोई हुई होती है, और वैसे भी निकाह के उस वाकये के बाद ना वो किसी से बात करती है और ना ही मिलती है। सोई हुई होती है या सुला दी जाती है? क्या हो गया हमजा तुम्हें,
ये क्यों फजूल बातें सोच के अपने दिमाग को उलझा रहे हो तुम? आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा दिल कह रहा है कि रानिया परेशान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया हमसा कि सड़की से दूर रहा करो, शादी हो गई है उसकी, अब वो तुम्हारी नहीं दानिश की जिम्मेदारी है। नाश्ते के बाद जाकर आप देख आइए, हो सकता है उसको वाकई किसी मदद की जरूरत हो। भाई मेरे भाई की इकलौती औलाद है, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। अच्छा भाई चली जाऊंगी मैं, आप दोनों बाप बेटे तो पीछे ही पड़ गए हैं मेरे, मैं तो बात करके पछता रही हूँ। ऐसा चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कहा है ना मैंने तुम्हें कि उससे दूर रहो, मैं देख लूंगी खुद। देखा आपने इसको, फिर से इस लड़के का दिमाग खराब होना शुरू हो गया है, इसी बात का डर है मुझे। आज ही जाकर इसकी निकाह की डेट फिक्स करती हूँ। आज ही करोगी? कैसे? सो रही थी क्या? नहीं, रो रही थी। क्यों? ऐसा क्या हो गया जिसने तुम्हें रुला दिया? तुम्हारी बातों ने, तुम्हारी बातों ने मुझे जीते जी मार दिया हमजा। I'm sorry for that। वैसे ही मुझे गुस्सा किसी और बात पे था और मैं तुम्हारे साथ बकवास करना शुरू हो गया। Just forget about it। क्या कहा है तुमने? इसका मतलब है कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? तुम मेरे हो। तुम्हें छोड़ ही तो नहीं सकता। मैं जानती थी मेरी मोहब्बत की गर्मी ने तुम्हें पिघला दिया ना, मेरी दुआएं रंग ले आई हैं, तुम वापस आ गए हो और मुझे यकीन है कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि क्या करनी है शाम को? मुझे क्या करना होता है, मैं तो बस हमेशा मिलने की दुआएं कर रही होती हूँ। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। Just be ready। ठीक। I'm sorry for that। वैसे ही मुझे गुस्सा किसी और बात पे था और मैं तुम्हारे साथ बकवास करना शुरू हो गया। जस्ट फॉरगेट अबाउट मी। अम्मा आज मैं इतनी खुश हूं कि मैं बता नहीं सकती। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आज इस लड़के की कॉल नहीं आती ना तो मैं नायला खुद फोन करती। मुझे तो धड़का लगा रहता है इसकी तरफ से। शुक्र अल्लाह का फोन आ गया इसका। मैं कहती थी ना आपसे कि मेरी मोहब्बत में बड़ी ताकत है, हमजा को मेरे पास खींच कर ले आएगी। वो मेरी ही किस्मत में था, ये तो बिला वजह रानिया हमारे बीच में घुसी हुई थी। एक दफा तेरी शादी हो जाए फिर देखना इस घर से क्या इस दुनिया से इसे मैं कैसे बाहर निकलूं। कसम से। हाँ सच्ची तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
फिर हमजा और मुझे कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। पहले तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर सांप का जहर निकाल दिया जाए तब भी रहेगा तो वो सांप ही ना। क्या मतलब है, तुम कुछ और प्लानिंग करने वाले हो? ऐसा मैंने मामा, 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 मामा उठे, मामा, ये लोग हमें मारने की तैयारी कर रहे हैं। मामा, मामा चले यहाँ से, क्या हो गया आपको? क्यों बड़ी रहती है ऐसे, होश करें, उठ कर देंगे हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, ये हमारा सब कुछ ले लेना चाहते हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं। उठे मामा, प्लीज कुछ करें मामा, हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया, अपने ही घर में किसी कैदी की तरह कैद कर दिया हमें। मामा प्लीज हेल्प करें, मामा प्लीज, उठे मामा, मुझे जरूरत है आपकी, मामा प्लीज, मैं क्या करूंगी अकेली। बाजी वो साथ वाली बाजी आई है। ये क्या है भाई, क्या मुसीबतें खड़ी की हुई है यहाँ पे, हटा इनको। अरे मैम हटाओ, आए आप जाए, आइए आइए यहाँ से। नहीं मैं यहाँ से नहीं आ रही। अच्छा आइए, हटाओ इनको यहाँ से। पांडा को भी अभी मरना था, किस्मत को संभालूं मैं। वहां बेटी का तो काम तमाम करना पड़ेगा सना, आज की अजाब करके रखती है हर वक्त, उनसे मजे भी नहीं लेने देते एक घर के। पकड़ इसको, आहिस्ता की बच्ची, अगर तेरी आवाज निकली ना फिर तुझे मैं बताऊंगी, समझी? वो तेरी चाची ताई तेरी, उसको खून के उबाल पड़ रहा है मोहब्बत के। टेप दे मुझे, टेप दे, इसकी चींची की आवाज निकली ना, चुप। अगर तेरी आवाज निकली ना तो ये याद रखना तेरी मौत, इसको हमेशा के लिए चुप करा दूंगी, हाथ बांध इसके सामने। बताऊं मैं इसको रास्ता, इन माँ बेटियों ने नाक में दम किया हुआ, ऊपर से इनके रिश्तेदार का बख्त, चैन से ना जीने देते ना मजे लेने देते इस घर के। बंद कर, चुप करके बैठी जा, चल के। लेकिन बल्ली उठ सना, अगर ये चाबी गड़बड़ करे ना इसकी आवाज आए। बड़ी मजे कर लिए लोगों ने, बिल्कुल रास्ता बता, चल उसके रखूंगी कप्पा। आवाज नहीं निकलनी चाहिए, एक बार से सुन ले, खबरदार खबरदार तेरी चौंकी भी आवाज आई, नहीं तो तेरी माँ के मुंह पे ना फिर तुम समझी। उधर उनका मरण चौंकी भी आवाज आ निकले, समझी?
ना होती तो कह नहीं सकती थी, बहाना नहीं बना सकती। देख मेरा हुलिया तो नहीं लग रहा बिगड़ा हुआ। अल्लाह नाइला, आ गई तुम। अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। नाइला तुम आ गई तो हम कुछ हंस बोल लिए, वरना इस घर में तो मौत की सी खामोशी रहती है चारों वक्त। तो दानी आलू है कहने पर यकीन जानो मर हम लोग गए। इसे बहुत बड़ी बात है नवाब कि तुमने साजिदा का घर संभाल लिया, अपना घर छोड़कर यहाँ पर आकर बैठ गई। बहन की मोहब्बत में बैठी हुई हूँ मैं तो, क्या बताओ तुम। जैसे ही घर जाने का नाम लेती हूँ ना साजिदा की तबीयत बिगड़ जाती है। बस वफा के मारे बहन की मोहब्बत में घर बार ताक कर दिया मैंने, बैठी हुई हूँ यहाँ पे। एक बात तो बताओ मुझे नवाब, तुमने दानियाल के मुलाजिम क्यों निकाल दिया? हाँ वो तुम्हें याद नहीं स्वयं वाले दिन है, पूरा गिरोह था कैसे मैंने पकड़ा था है, एक चोरी करता था एक पहरेदारी करता था। पता नहीं कब से मेरी बहन को पागल बना रहे होंगे, वो तो अल्लाह का शुक्र मैंने देख लिया, वरना साजिदा को तो कोई तमीज नहीं दुनियादारी की। और भैया हम तो अल्लाह से डरते हैं, खुदा खौफी है हमें, हम तीन तीन जने हैं। मैंने तो उनको निकाल के बाहर किया, हमने कहा हम खुद घर संभाल लेंगे, भाई हमारे कोई हाथ पैर टूटे हुए थोड़ी है, और बस अपनी बेवा बहन का खर्चा बचा रहे हैं और क्या करें। और आपको पता है अम्मा और नानो तो हर वक्त घर की सफाइयों में लगे रहते हैं, रानिया तो उठकर पानी तक नहीं पीती। और तुम्हें पता है साजिदा की तरह इसके अप्पू भी इस तरह पर लग गए, सबसे मुश्किल काम उन्हें संभाल। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को आसान करे नवाब, परेशानी तो बहुत होती होगी तुम्हें है ना? क्या बताओ परेशानी तो बहुत है, बस सब्र शुक्र किए बैठे। ये एक मेरी बच्ची, ये मेरा सहारा, ये मेरा साथ नहीं छोड़ती मेरी प्यारी। इसे तो मैं बहुत जल्द अपने साथ घर ले जाऊंगी, अब तुम अपना बंदोबस्त कर लो। अरे तुम्हारी अमानत है, जब दिल चाहे ले जाओ, कोई क्या कह सकते हैं। वैसे साजिदा की तो इद्दत खत्म हो चुकी है ना, तो अगले महीने निकाह रख लेते हैं, अब नेक काम में देर मुनासिब नहीं है। शर्मा गई प्यारी। चाय पियो ना, ये खाओ ना, ये मंगवाए अभी। बस चाय काफी है। बस ना आना जरा, आ जरा आती हूँ मैं। आज आज रख दे बेटे, प्लेट रख दे। अरे लीजिए ना। नहीं अरे कुछ नहीं होता, पकड़ अम्मा चलो। बहुत दिन हुए साजिदा से मुलाकात नहीं हुई। हाँ वो बुरा नहीं मनाना नायला, वो दरअसल ना नफरत करती है तुम्हारे नाम से भी। बड़ी कोशिश की मैंने समझाने की, बहुत कहा कि दिल साफ कर लो, लेकिन कहती है नहीं, बड़ी बदजन है, बहुत शक्ल ही नहीं देखना चाहती तुम्हारी वो। इसलिए तो मिलने आई हूँ मैं उनसे कि उनसे मिलकर माफी मांग लूँ। कैसी माफी? मेरा मतलब है रिश्ते में तो बड़ी हो तुम क्यों माफी मांगोगी उससे? नहीं नवाब, माफी मांगने से मैं कोई छोटी नहीं हो जाऊंगी। हाँ ये तो तुम्हारी बड़ाई है भाई, बड़े दिल की हो तुम, ऐसी सोच तो बड़े दिल वालों की होती है। लेकिन वो रानिया और दानिश वो तो घूमने गए हुए हैं, और साजिदा तो हमेशा की तरह ऐसी बेसुध पड़ी है मुर्दे की तरह। लेकिन तुम देख लो, तसल्ली हो जाए है, क्या पता तुम्हें देखकर कोई रमक आ जाए जिंदगी की। चलें? एक्चुअली मैं भी यही चाह रही थी। चलें हाँ, हाँ सर ना चलें, आगे चलें आगे। हाँ जो नायला, अल्लाह करे बस मिल ले, बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई है, किसी से मिलना ही नहीं चाहती, मिलना ही इतना समझाती हूँ लेकिन पता नहीं क्या, अल्लाह करे भाई मिल ले तुमसे, हम तो यही चाहते हैं सब मिलजुल कर रहे हैं। भैया आ जाओ नायला, आ जाओ आओ। अम्मा देखे कौन है? मेरी बच्ची, कितने दिनों के बाद तुम्हारे दीदार हुए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम तो बताओ तुम कैसी हो? नसीब जागे कि आज तुम हमारे आई, आओ ना बैठो। हाँ वो मैं साजिदा से मिलने, साजिदा से मिलने आई है, साजिदा से मिला दो। अच्छा मैं नमाज पढ़ी थी, मैंने दुपट्टा उड़ लिया था। चलो चलो ठीक है, मिल लो मिल लो, तबीयत ठीक नहीं उसकी। आ जाओ भैया आ जाओ। साजिदा
अरे लो, ये तो सो रही है। खत काहे के लिए आई है ये? डॉग लेने के लिए आई क्या? उठा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, सोने दो, रहने दो। है, देख लो। नहीं, छोड़ो, रहने दो। अच्छा चलो फिर। क्या बताऊँ मैं तुम्हें नाइला, साजदा तो हर वक्त बीमार रहती है ना, इसलिए कमरे में ही रहती है, बाहर ही नहीं निकलती। और रानिया, उसकी तो ना ही पूछ। मेरा बेटा छीन लिया उसने मुझसे, हर वक्त बस मेरा शौहर, मेरा शौहर। लो भैया, उसका शौहर क्या बना? ना वो मेरा बेटा रहा, ना इसका भाई। उसकी प्रॉब्लम की वजह क्या है? प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम ये है कि उसे दानिश से इश्क हो गया है।